दिल्ली से एक और बड़ी खबर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 6 जनवरी को पकड़े गए 2 आतंकियों के 4 साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस मॉड्यूल में 8 आतंकी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी सिग्नल ऐप और गूगल मैप के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। जिन 4 आतंकियों की तलाश है उनमें 2 काम का हथियार मुहैया करवाना और 2 का काम हथियार पहुंचाना था। ये आतंकी अपने साथियों तक इस तरह से हथियार पहुंचाते थे जिससे पुलिस को चकमा देना आसान होता था। आतंकी किसी खास लोकेशन पर हथियार रखकर गूगल लोकेशन अपने आकाओं को भेज देते थे। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों आतंकियों से बरामद हथियार उन्हें उत्तराखंड के एक अनजान लोकेशन पर मिले थे। 2 पकड़े गए, 4 की तलाश जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये 8 थे टोटल। सूत्रों के मुताबिक ये 8 थे टोटल, अब इन तक पहुंचना पुलिस का लक्ष्य होगा। आतंकी भी एक्टिव हैं और खुफिया सूत्रों के मुताबिक लगातार 26 जनवरी पर बड़ी फिराक में है आतंकी संगठन ISI भी। पाकिस्तान में बैठे ये आतंकी मॉड्यूल कुछ बड़ा रच रहे हैं 26 जनवरी के दिन। और 4 आतंकी आखिर कहां लापता है ये सवाल अभी बना हुआ है। उनकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है, जगह जगह तलाशी अभियान लगातार जारी है। 26 जनवरी पर बड़ी आतंकी साजिश का अलर्ट है। अलकायदा ISI ये वो टेरर मॉड्यूल्स हैं जो एक्टिव हैं। दरअसल 6 जनवरी को जहांगीरपुरी से 2 आतंकियों को पकड़ा गया था। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी जहां वो किराए के मकान पर रह रहे थे। जहांगीरपुरी मॉड्यूल के 4 आतंकी अभी भी कहीं लापता है, वो अलग अलग जगहों पर छुपे हुए हैं जिनको ढूंढा जा रहा है। सिग्नल ऐप ये गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस नए मॉड्यूल में टोटल 8 आतंकियों के होने की खबर है। 2 पकड़े गए, लेकिन टोटल अभी 6 और भी हैं। हथियार पहुंचाने में इन 4 आतंकियों का इस्तेमाल था जिसमें 2 लाते थे 2 अलग जगहों से पहुंचाते थे। इस तरह से ये इनका मॉड्यूल काम कर रहा था। देश की राजधानी दिल्ली में जो दुश्मन है वो अभी छुपे हुए हैं और उन तक पहुंचना है पुलिस को 26 जनवरी से पहले पहले। इनके इरादे क्या हैं कुछ नहीं मालूम। स्वाभाविक है, नेक तो बिल्कुल नहीं है।